देखो क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि ग्राफ बना लिए कंप्लीट ग्राफ तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभी डिफरेंशिएशन भी हमको करेंगे आगे के फ्यूचर में, कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो ईच ब्रांच को डिफरेंशिएट कर लो, सभी ब्रांच पॉजिटिव है कोई समस्या नहीं है, इंक्रीजिंग बता रहा है और ग्राफ में देख रहे हैं कि पहला का लास्ट वैल्यू और दूसरे ब्रांच का शुरुआत वैल्यू भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब इस तरह का इंटरसेक्शन जहां समाप्त हुआ उससे नीचे शुरू हो जाए, उस पर शुरू हो या उसके बाद शुरू हो तो कोई समस्या नहीं है। दो चीज टैली करना है, एक तो डिफरेंशिएशन देखना है और मेन है इनिशियल वैल्यू और लास्ट वैल्यू, पहला का लास्ट वैल्यू, पहला ब्रांच का लास्ट वैल्यू और सेकेंड ब्रांच का पहला वैल्यू, ठीक है। और डिफरेंशिएट किए हैं तो ये वन आया, इसको डिफरेंशिएट किए 2x आया, इसको डिफरेंशिएट किए 8/2√x आया और सभी केस में यह पॉजिटिव है सभी ब्रांच में, तो ईच ब्रांच पॉजिटिव है और इनिशियल और लास्ट वैल्यू में भी कोई टकराहट नहीं है, यह ओवरऑल इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, 1:1 हो गया। बोलो आदित्य। यस सर। हालांकि डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं था लेकिन फ्यूचर में कभी कभी ग्राफ से बहुत चीज क्लियर नहीं होगा केवल, तो डिफरेंशिएट भी करेंगे तो उसके लिए बताएं कि ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो यह हो गया बाइजेक्टिव, तो इनवर्सिबल हो गया। अब इनवर्स इसका कैसे निकालें, तो ईच ब्रांच में वही मेथड यूज कर देंगे, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई ईच ब्रांच, जैसे इसको y मान लिया एफ एक्स को तो पहला ब्रांच का इनवर्स निकालो, फिर दूसरा ब्रांच का इनवर्स निकालो, फिर लास्ट ब्रांच का इनवर्स निकालो, तो फर्स्ट ब्रांच यहाँ हम पूरा डिटेल लिख रहे हैं, फर्स्ट ब्रांच आपको क्लियर होगा। बोलो बच्चे x इक्वल टू y तो ऑलरेडी एक्सप्रेसिबल है, सेकेंड ब्रांच, सेकेंड ब्रांच है एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, रूट लेंगे तो मॉड x y। अब बोलो x यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है, कितना ब्रांच पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो x इक्वल टू लिख देंगे सिंपली रूट y, मॉड हटा देंगे। अब थर्ड ब्रांच 8√x इक्वल टू y, 8 को डिवाइड करो स्क्वायरिंग करो तो y स्क्वायर बाई 64, तब x के जगह पर लिखेंगे f इनवर्स x और y के जगह पर लिख देंगे x, तो पहला ब्रांच x हो गया, दूसरा ब्रांच रूट x हो गया और तीसरा ब्रांच x स्क्वायर बाई 64 हो गया। बोलो किसी को यहाँ तक दिखा? नो सर। लेकिन चूंकि ब्रांच है तो कंडीशन लिखना कंपलसरी है, ध्यान से बोलिए, यहाँ पर जो कंडीशन लिखेंगे वो प्रीवियस फंक्शन का रेंज होगा या डोमेन होगा, इनवर्स का डोमेन जो है, हाँ यहाँ जो लिखेंगे वो इनवर्स का डोमेन होगा लेकिन पहले वाला फंक्शन का रेंज हो जाएगा, इसीलिए ग्राफ से रेंज देख लेंगे। पहला ब्रांच का रेंज देखो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इनफिनिटी से कहाँ तक है, वाई कोऑर्डिनेट देखना है पहला ब्रांच में माइनस माइनस इनफिनिटी, यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे माइनस इनफिनिटी से वन। दूसरा ब्रांच, दूसरा ब्रांच में रेंज देखो, यह 1 से 4 डोमेन था, रेंज वाई कोऑर्डिनेट पर देखना है, वाई एक्सिस पर। बोलो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 16 और लास्ट ब्रांच का रेंज बोलो कहां से कहां तक है, 16 to infinity। यह कंडीशन लिखना जरूरी है, यही है बचा का आप लोगों से ब्रांच वाले फंक्शन का। यस सर। यस सर। ये समझाने में अब देखो यहाँ पर चूंकि जैसे यहाँ इक्वल टू नहीं था, हम इक्वल टू दे दिए तो हमारा हैबिट क्या है समझो, यह बोलो अब यह वन जो है पहला ब्रांच का वन है या दूसरा ब्रांच का वन है, यह पॉइंट जो है पहला ब्रांच का या दूसरा ब्रांच का है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन में दोनों का हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस जब फंक्शन होता है ना तो हर जगह हम इक्वल देते हैं, मेरा हैबिट है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन रहता तब हम इक्वल वहीं देते जहां पर क्वेश्चन में इक्वल था, तो आपकी श्रद्धा, आप चाहो तो यहाँ वन हटा दो या चाहो तो यहाँ पर इक्वल टू हटा दो या रख लो, या आपकी इच्छा। बोलो। यस सर। हाँ तो वन यहाँ पर इक्वल टू देना भी गलत नहीं है, सही है, हटा भी देंगे तो सही है। तो फाइंड इनवर्स इनफिनिटीस्ट ये हो गया। अब देखिए यह क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा क्या, Yes, sir.
यस सर हो जाए। सही आइडिया है, हो जाएगा आप लोगों का सब ठीक है। तो यह जो है कुछ क्वेश्चन होमवर्क करेंगे हम इसमें, और आपको ऐप में सबमिट करना है ठीक है। लिख ही देते हैं यहाँ पर, यह होमवर्क रहेगा सर। क्वेश्चन आपको हाँ सबमिट नहीं करेंगे, यह तो सॉल्व कर पूरा क्वेश्चन देखें सर। यह सब यह दो दो क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क रहेगा सर। उबला क्वेश्चन देखिए ना। हाँ बोलो सर, ये 1-1 है और क्यों नहीं है, क्या दिक्कत है तुमको? ये वाला नहीं, बोलो वो अभी जो दिखाए थे या हाँ बोलो क्या दिक्कत है ये वाला। हाँ हाँ तो 1-1 नहीं है तो लिखेगा नॉट इनवर्सिबल। यहाँ पर देखो 1-1 चेक करना बहुत आसान है। 1 रखो, पहला वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला ब्रांच का लास्ट वैल्यू 3 और इस ब्रांच का पहला वैल्यू फर्स्ट वैल्यू 2.718 क्या करेगा, कंसाइड करेगा कि नहीं करेगा? पहला ब्रांच जो है 3 पर जाके समाप्त होगा 3 पर, और दूसरा ब्रांच जो है 2.7 शुरू होगा, तो बोलो कंसाइड करेगा नहीं करेगा? कॉमन वैल्यू हो जाएगा ना? यस सर। तो क्या हो जाएगा? मेनी वन हो जाएगा, नॉट इनवर्सिबल हो गया, तो सॉल्वी हो गया, तो मेनी वन हो गया, तो आंसर हो जाएगा नॉट इनवर्सिबल ठीक है। एक ही ब्रांच, एक भी ब्रांच में निकल के मेनी वन तो पूरा लिख देंगे नॉट इनवर्सिबल। तो फिर आगे क्या पढ़ेंगे, आगे क्यों पढ़ेंगे जब एक ही ब्रांच हो गया? आप सबसे प्योरेस्ट वाटर कहाँ का होता है बता दो, सबसे प्योरेस्ट वाटर रेन वाटर कहाँ से? ग्लेशियर का वाटर से, ग्लेशियर का वाटर ठीक है, गंगोत्री से, मान लो मानसरोवर से जो गंगा जहां से निकलती है, गोमुख से ना, गंगोत्री से वहां का पानी लाया, इस बाल्टी में रख दिया, और तुम्हारे घर के बाहर जो नाली है उससे मात्र एक बूंद इसमें निकल रख दिया, ज्यादा कुछ नहीं, एक बूंद पियोगे इसको कि नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे सर। हाँ तो वही चीज है, मैं भी वही है, एक जगह मनी वन आ गया तो दूसरा ब्रांच देखने की जरूरत क्या है, नॉट इनवर्सिबल सर, इवन ऑड की तरह। हाँ इवन ऑड की तरह ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक्स मॉड एक्स है, अब जब तक मॉड रहेगा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो इसको इसके इसके लिए दो उपाय है, या तो हम इस मॉड को दो पार्ट में डिवाइड कर दें या ग्राफ बना दें। इसका ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे ग्राफ बना करके, याद है क्या आप लोगों को? या इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर दें, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो में बोलो बड़ा ब्रांच क्या बनेगा, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में ब्रांच क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर। अब ये तो कंटिन्यूस है लेकिन ग्राफ बनाना ज्यादा कंफर्टेबल है, ब्रांच वाइज है, तो बोलो या पैराबोला होगा दोनों या डिफरेंट होगा दूसरा कुछ होगा? पैराबोला ही होगा, पैराबोला होगा। हाँ एक जो पहला वाला पैराबोला होगा वह डाउनवर्ड होगा, फर्स्ट जो पैराबोला होगा वह डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड, और जो सेकेंड पैराबोला होगा वह अपवर्ड होगा। लेकिन यह सेमी पैराबोला होगा या कंप्लीट पैराबोला होगा, क्योंकि डोमेन तो अलग अलग है दोनों का, क्या होगा बच्चे? सेमी पैराबोला, सेमी पैराबोला। माइनस इनफिनिटी से जीरो तक यह फर्स्ट पैराबोला होगा या नीचे वाला पैराबोला, तो इसको हम लोग रखेंगे और सेकेंड वाले को डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। उसी तरह से यह जो डोमेन है जीरो से इन्फिनिटी, तो जीरो से इन्फिनिटी उसके पहले वाला को डिलीट कर देंगे, जीरो से इन्फिनिटी रखेंगे। क्लियर है बच्चे? यह ग्राफ है वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का, और यह ग्राफ है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस ग्राफ को देख के बोल सकते हैं 1-1 भी है 1-2 भी है, क्योंकि रेंज इसका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दिख रहा है,
अब इनवर्स देखने के लिए फर्स्ट ब्रांच का इनवर्स निकालो, फर्स्ट ब्रांच का वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। इसके बाद तुम लोग बोलो क्या क्या लिखे, मॉड एक्स सर, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस रूट, माइनस रूट के अंदर माइनस वाई। ठीक, अब बोलिए मॉड एक्स को क्या लिखे, प्लस एक्स या माइनस एक्स सर, माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स, माइनस एक्स। फिर उस माइनस को उधर भेज दो, तो एक्स इक्वल टू माइनस रूट अंडर माइनस। अब सेकेंड ब्रांच, सेकेंड ब्रांच बोलो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स इक्वल टू रूट वाई। अब बोलो क्या लिखा जाए, एक्स के जगह पर एक्स या मॉड एक्स, एक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो हो गया इनवर्स। अब एक्स के जगह पर लिखेंगे एफ इनवर्स एक्स, फर्स्ट ब्रांच हो गया माइनस रूट अंडर माइनस वाई, वाई के जगह पर एक्स लिख दिया, सेकेंड ब्रांच रूट अंडर एक्स। अब इसमें वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, अगर आपसे देखते हैं तो पहला ब्रांच का वाई कोऑर्डिनेट बोलो कहाँ से कहाँ तक है, यह पहला ब्रांच है और उसके सामने वाई कोऑर्डिनेट यह है माइनस इनफिनिटी से जीरो, जीरो तो एक्स लेस देन इक्वल टू, भले ही यहाँ एक्स लिख रहे हैं या है वाई, और दूसरा ब्रांच के लिए हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यही आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी को इसका समस्या, नो सर। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, होमवर्क होमवर्क रहेगा आपको प्रैक्टिस शीट। इनवर्स फंक्शन तो शायद भेज दिए हैं, पीरियोडिक फंक्शन में ही तो लास्ट हाफ पेज में पीरियोडिक फंक्शन है, हाफ पेज में इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास है और सॉल्यूशन जरूर सबमिट करेंगे एप में नेक्स्ट डे तक, मतलब परसों तक। अब देखिए बच्चों, फाइंड इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ दिस फंक्शन, करली ब्रैकेट या फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, ऐसा जब लिखा रहे तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा वेयर दिस सिंबल डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट, तब आप मानेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, अदरवाइज नहीं लिखा हुआ रहेगा इसको सिंपली ब्रैकेट मानेंगे, यह फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। बोलो कैसे इसका निकाला जाए वैल्यू, यह डोमेन देखिए, डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, दो इंटीजर के बीच में ही है डोमेन, यह वन वन हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट का ग्राफ आपको याद है ना, यस सर, ऐसे 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 यही रिपीट करता है, तो ऐसे ऐसे रिपीट करेगा तो पीरियोडिक फंक्शन तो मेनी वन हो जाएगा, लेकिन चूंकि डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है तो वन वन है, इसमें ग्राफ ही बना लेंगे या सिंपली देख लेंगे कि डोमेन इसका दो ही इंटीजर के बीच में है, कंजुकेटिव इंटीजर के बीच में, यह वन वन हो जाएगा। रेंज कर्ली ब्रैकेट का याद है आप लोगों को, यस सर, जीरो से वन, जीरो से वन, तो ऑन टू भी है। अब चूंकि अब यह बोर्ड लेवल क्वेश्चन नहीं है, आईआईटी लेवल क्वेश्चन, तो सोच करके ऑब्वियसली लिख दिया डायरेक्ट वन वन ऑन टू। अब एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करें, तो जब भी कर्ली ब्रैकेट समस्या क्रिएट करे तो उसको लिख दीजिए एक्स माइनस, बोलो क्या लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट को, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, हाँ ऑलवेज ऑलवेज ये लिख देना, और एक्स का वैल्यू टू से थ्री के बीच में है तो ग्रेटेस्ट एक्स का वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, टू थ्री, टू थ्री नहीं टू होगा ना, थ्री तो ओपन है ना, टू पर क्लोज है, थ्री ओपन है, तो केवल टू होगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा वाई प्लस टू, फिर एक्स के जगह पर लिखेंगे एफ इनवर्स एक्स, और यहाँ पर एक्स प्लस टू यही आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स का कंडीशन भी चाहे तो लिखना आता है, चाहे तो जीरो से वन लिखेंगे, जीरो से वन, या जीरो से वन लिख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप लोग जीरो से वन क्यों लिख रहे हैं, रेंज वाला पार्ट यहाँ लिखा जाएगा। तो आप एनसीईआरटी में जब देखेंगे इनवर्स क्वेश्चन तो हर क्वेश्चन में एक कंडीशन लिखा हुआ रहेगा, हम लोग हर क्वेश्चन में नहीं लिखे हैं, केवल ब्रांच वाले क्वेश्चन में लिखे हैं, आप हर क्वेश्चन में स्कूल लेवल में लिखेंगे, तो जो एक्स पर जो कंडीशन लिखेंगे वो ध्यान रखेंगे, पहले वाला फंक्शन का रेंज होगा। आप लोग करेंगे हो गया,
लोग क्लास को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, बस दो चार मिनट और कर लेते हैं, ये हो जाएगा आप लोगों से। जल्दी बोलो, सॉल्व नहीं करना है, केवल बोलना है। कॉन्फिडेंस क्वेश्चन को देख करके आपको कॉन्फिडेंस आपके अलाउ कर रहा है कि आप सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी बोलो बच्चा, कोई नहीं बोल रहा है। कंफ्यूज हो रहा है, नहीं हो पाएगा। और लोग शुभम कौशिक और लोग बोलो, देखो ये ऑन टू तो दिया हुआ है, केवल क्या चेक करना पड़ेगा, केवल क्या चेक करना पड़ेगा, वन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? यस सर, डिफरेंशिएट आसानी से हो जाएगा, चेन रूल अप्लाई करोगे, चेन रूल अप्लाई करोगे, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाएगा, वो देखो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो ये वन वन हो जाएगा। अब x का वैल्यू y के टर्म में जब एक्सप्रेस करना है तो यहां पर क्या क्या आएगा, या a टू द पावर y हो जाएगा, हो जाएगा ना? यस सर, यस सर। अब इस x को इधर भेज देंगे, a टू द पावर y माइनस x रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वन, या यहां हो जाएगा स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्या स्क्वायरिंग करने के बाद? नो सर। अरे देखो ठीक से, एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा स्क्वायरिंग करेंगे तो? हाँ हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, केवल केवल सिंगल एक्स बच जाएगा एक जगह पर, तो एक्स का वैल्यू वाई के टर्म एक्सप्रेस हो जाएगा, केवल यदि सिंगल एक्स रहे तो हो जाएगा, तो हो गया तो इनवर्स निकल जाएगा, हो जाएगा आप लोगों से कि नहीं हो पाएगा? केवल आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन करना होगा, या प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो होमवर्क इस स्लाइड का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, जो आपको प्रैक्टिस शीट मिला है वही क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। अब इसके बाद थोड़े एक दो पॉइंट और देख लेते हैं, चलो एक बार सबको रिवाइज कर लीजिए जो जो अभी पढ़े हैं, और उसके बाद क्लास में खत्म कर देंगे। पहला का रिजल्ट बोलिए, जितना अभी तक पढ़े रिविजन करते हैं, एक्स हो जाएगा, लेकिन यह एक्स किसका एलिमेंट होगा? I means identity function. चलो यह x क्या होगा, दूसरा वाला ix second point का आंसर बोलो, bijective चलो इसका आंसर बोलो, third point का steps bijection replace x by f inverse x in terms of y और लास्ट में रिप्लेस x by f inverse x and y by x। यह फोर्थ पॉइंट तो आप जानते हैं ऑलरेडी, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एंड इट्स इनवर्स फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन, किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है? ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एंड इट्स y इक्वल टू x, सबको पता है ना, याद है ना? यस सर, y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अब y इक्वल टू x के अबाउट में जब सिमेट्रिक होगा तो देखो बच्चे, मान लो कोई फंक्शन है या y इक्वल टू एक्स हो गया, यह फंक्शन का ग्राफ है, थोड़ा अच्छा ग्राफ नहीं बना, थोड़ा अच्छा से बना है अभी, क्या थोड़ा बना ठीक से बैठो, यह कोई फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का, इसका इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा? ये इसका इमेज ले लेंगे y इक्वल टू एक्स को मिरर मानते हुए, तो जब इमेज इधर आ जाएगा कुछ इसका पार्ट का, इसका इमेज इधर आ जाएगा, इसका इमेज इधर ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स इनवर्स का इमेज,
समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? यस सर। एक तो यह, दूसरा जो है मान लो कि कोई फंक्शन है, यह कोई फंक्शन y इक्वल टू x, तो इसका इनवर्स का ग्राफ कैसा बनेगा? इसका इमेज, तो इसका इमेज बनाएंगे, यह कुछ इधर आ जाएगा, इसका इमेज कुछ इधर आ जाएगा, हो जाएगा? यह y इक्वल टू x है और यह एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यह इनफिनिटी से शुरू हो रहा है जीरो तक आ जा रहा है, इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? सेम रह जाएगा, सेम रह जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा। यही ग्राफ जो है y इक्वल टू एफ एक्स का भी हो जाएगा और यही ग्राफ y इक्वल टू एफ इनवर्स का भी हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? यस सर। देखिए, ठीक है ना, अब देखिए, अब यहाँ पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिस पर एवरी ईयर क्वेश्चन आईआईटी आईएसआई बीट सेट जो स्टैंडर्ड एग्जाम है उस सभी एग्जाम को देंगे तो एक दो एग्जाम में जरूर रहेगा इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन। यह क्या है, इससे क्या हम लोग कंक्लूजन क्या निकालेंगे? एक तो सिंपली आप यह याद रख लीजिए कि ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इट्स इनवर्स फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन वाई इक्वल टू एक्स, एक तो यह याद रखना है, लेकिन इसका एक बहुत ही ग्रेट एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन तो हम लोग ग्राफ बनाने में करते हैं, दूसरा है कुछ वैल्यू इवेल्युएट करने में भी होता है। जैसे कभी क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स का रूट निकालिए, तो हम लोग ग्राफिकल मेथड से क्या करते हैं, एफ का ग्राफ बनाते हैं और जी का ग्राफ बनाते हैं और दोनों जहां पर कट किया वही रूट होगा, वही रूट होगा ना? यस सर। तो इस रूट का मान लो x कोऑर्डिनेट 4 आया, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? 4 ही आएगा, बोलो। यस सर। अब क्वेश्चन है फिफ्थ पॉइंट को देखेंगे, फोर्थ और फिफ्थ दोनों डिपेंडेंट पॉइंट है, इक्वेशन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स x का रूट निकालिए, सोल्व कीजिए। तो एफ एक्स और एफ इनवर्स x को सोल्व करेंगे तो यहां पर जो x कोऑर्डिनेट होगा मान लो 7 मान लेते हैं, तो 7 आएगा, क्लियर है? x और f इनवर्स x को सॉल्व करेंगे तो 7। अब इस ग्राफ को देखते हुए बोलो fx इक्वल टू x को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा या डिफरेंट नंबर आएगा? जल्दी बोलो आदित्य, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स कट कर रहा है तो 7 मिल रहा है, एफ एक्स और वाई इक्वल टू एक्स यह भी सेम पॉइंट पर कट कर रहा है तो इस दोनों को भी सॉल्व करे तो 7 ही आएगा। मतलब इस तीन फंक्शन है एफ एक्स एक्स और एफ इनवर्स एक्स तीनों में से किसी भी दो को इक्वेट करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, सेम या डिफरेंट? सेम मिलेगा सबको, सबको कंफर्म है? लेकिन केवल एफ एक्स दिया गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन में एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि इसका एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का रूट निकालो, तो क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो एफ इनवर्स एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में, फिर एक्स के जगह पर एफ इनवर्स एक्स वाई के जगह पर एक्स लिखना होगा। अब इसका जो वैल्यू आ गया वह कुछ रूट में आएगा, चूंकि क्वाड्रेटिक में एफ एक्स है तो एफ इनवर्स एक्स रूट में आएगा, बोलो यहाँ तक? यस सर। तो अब इक्वेशन जो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एल एच एस में समथिंग फाइव प्लस रूट अंडर एक्स माइनस टू कुछ भी लिख दिया यह बनेगा। अब इसको सॉल्व करने में देखो कितना परेशानी है, इस फाइव को इधर लाएंगे, रूट को हटाएंगे तो स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो डिग्री फोर हो जाएगा, ये समझ रहा है कितना इनकन्वीनियंट होगा? यस सर। तो यहाँ पर तो दो काम करना होगा, पहला काम तो ए इनवर्स निकालना होगा, इनवर्स जो सम मिनट्स कंज्यूम करेगा,
और उसके बाद जब सॉल्व करेंगे ना तो सीधा डिग्री उसका ट्वाइस हो जाएगा, दो जगह पर अड़चन आएगा यदि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन इस फर्स्ट ग्राफ को देखिए तो यह ग्राफ कहता है कि क्वेश्चन भले ही एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है, उस दोनों को सॉल्व ही मत करो, इसके बदले में तुम एफ एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व कर दो क्योंकि उसे रूट सेम मिलेगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का रूट निकालिए, तब हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को नहीं सॉल्व करेंगे, इसके बदले में हम लोग सॉल्व करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स को, क्योंकि तीनों ग्राफ सेम पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है ना। तो इन प्लेस ऑफ दिस इक्वेशन, this equation we will solve fx equal to x, या फिफ्थ पॉइंट फॉर्मूला हो। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत? सर ऐसा तब ना करेंगे जब दोनों का ग्राफ y equal to x पर कट करेगा। हाँ चूंकि क्या है ना कि हाँ आप देखिए पहले यहां तक समझो इस ग्राफ को, इस ग्राफ में कोई दिक्कत है इस ग्राफ से? यदि हम पहला ग्राफ को रखते हैं, नो सर पहला ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सबको? यस सर। अब सेकेंड ग्राफ, अब सेकेंड ग्राफ में देखिए, सेकेंड ग्राफ में क्या है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स तीन पॉइंट पर कट कर रहा है, इसके तीन रूट होंगे, लेकिन वाई इक्वल टू एक्स के साथ केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसमें सोल्व करेंगे तो एक रूट मिलेगा, तो गलत हो जाएगा, ऑब्वियस है, क्लियर है पॉइंट? अब सबको कंबाइन करेंगे बाद में। यहां पर यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स सोल्व करेंगे तो गलत आंसर आएगा, एक ही रूट मिलेगा, जब चाहिए तीन हमको, बोलो। यस सर। और यहां पर तो इनफाइनाइट रूट होगा एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स, लेकिन वाई इक्वल टू एक्स तो एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यहां पर तो और गलत होगा, ठीक है। तो एक उसका उसका डेरिवेशन भी है इसका, यदि फंक्शन इनक्रीजिंग है तब ग्राफ जो है ना फर्स्ट जैसा ही बनेगा, डिक्रीजिंग होगा तब फर्स्ट जैसा ही बन सकता है, सेकेंड थर्ड जैसा ही बन सकता है। यह रिजल्ट ना इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए 100% एक्यूरेट है, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए नहीं एक्यूरेट है, ठीक है। तो चाहेंगे तो उस थ्योरम को कभी हम लोग ड्राइव कर देंगे, अदरवाइज इसको याद ही रख लेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए यह 100% फिट करता है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। सर क्या बोले नहीं समझ में आया। जैसे फंक्शन इनक्रीजिंग है या एफ एक्स जो है ना इनक्रीजिंग है, एफ एक्स यदि इनक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वाई इक्वल टू एक्स के साथ ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बराबर होगा। लेकिन फंक्शन यदि डिक्रीजिंग है, यहाँ पर देखो यह हाईएस्ट वैल्यू है उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन में हो सकता है वह बाहर भी कट कर जाए, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में ज्यादा रूट भी हो सकता है और इक्वल रूट भी हो सकता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के बराबर भी हो सकता है। डिक्रीजिंग फंक्शन अगर आप जो है फर्स्ट जैसा भी हो सकता है, लास्ट जैसा भी हो सकता है, लेकिन इनक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका ग्राफ ओनली फर्स्ट जैसा होगा। तो इनक्रीजिंग फंक्शन में या फिफ्थ पॉइंट 100% एक्यूरेट होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन में गलत भी हो सकता है। मान लो फंक्शन डिक्रीजिंग है और एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के बदले आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व कर देते हैं तो वह गलत आंसर आ जाएगा, लेकिन इनक्रीजिंग फंक्शन है 100% सही आंसर आएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। बोलो राहत। जल्दी कंफर्म करो राहत। सर हाँ सर 1-1 तो रहेगा ही ना? 1-1 तो है भाई, इनवर्स है तो 1-1 ही है, और बस डिक्रीजिंग नहीं होना। अरे 1-1 तो रहेगा ही, बस डिक्रीजिंग होगा तब जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स सोल्व करेंगे तो लेसर रूट मिल सकता है, नंबर ऑफ लेस रूट मिल सकता है। इनक्रीजिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना एग्जैक्ट रूट है उतना ही मिलेगा। लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा एजम्पशन यूज करेंगे कि मान लो क्वेश्चन देने वाला यदि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का रूट निकालने के लिए दिया है और तब डिक्रीजिंग फंक्शन है मान लो, तब तो ये फिफ्थ पॉइंट यूज नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में एफ इनवर्स निकालना पड़ेगा और एफ इनवर्स निकालना टाइम कंज्यूमिंग है, फिर उसके बाद रूट निकालने के लिए फिर उसका डिग्री ट्वाइस हो जाएगा तो वह मोर टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऐसा क्वेश्चन तो देगा नहीं। तो हम वहां पर भी मान लेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है तब भी,
कि उसका भी ग्राफ इसी के जैसा हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इस उसमें भी हम कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही सॉल्व कर देंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन हो चाहे इंक्रीजिंग फंक्शन हो, या हम मानते हुए रखेंगे कि क्वेश्चन देने वाला टाइम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन दिया होगा कि विद इन द टाइम सॉल्व हो जाए। एक क्वेश्चन के लिए 2 से 3 मिनट मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, इतना बड़ा क्वेश्चन देगा नहीं कि इनवर्स निकालो फिर एफ एक्स को एफ इनवर्स के साथ इक्वेट करके सॉल्व करो। तो वैसे क्वेश्चन के लिए डिक्रीजिंग हो चाहे इंक्रीजिंग हो, ऐसा क्वेश्चन देता है तो डायरेक्ट हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बोलो जो हम बोले वो समझे नहीं समझे? यस सर। हाँ, लेकिन स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाए assertion reason टाइप का, तब हम बोलेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का जो रूट मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का रूट मिलेगा ऑलवेज इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यदि कहीं स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ऑलवेज इक्वल है तो रॉन्ग होगा, ठीक है। इनक्रीजिंग है तो ऑलवेज इक्वल होगा, डिक्रीजिंग है तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो आंख बंद करके आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व कर दीजिए, इस दोनों ग्राफ को देखने की जरूरत ही नहीं सर। बोलो। हाँ, एक बार फिर से बताएं, डिक्रीजिंग होगा तो कैसे एक पॉइंट से ज्यादा बार कर देगा? अरे ये सेकंड ग्राफ नहीं दिख रहा है तुमको? ये सेकंड ग्राफ दिख रहा है, ये फंक्शन जो है ऐसे ऐसे घूम रहा है, डिक्रीजिंग है। अब इसका इमेज बना दिए तो ऐसे हो गया वाई इक्वल टू एक्स, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर गया तो बाहर भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ पर 3 रूट होगा एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का, जबकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का केवल एक ही रूट मिलेगा। डिक्रीजिंग फंक्शन में बाहर भी कट कर सकता है और नहीं भी कट कर सकता है बाहर। जैसे मान लो एक और ग्राफ हम बना लेते हैं, जैसे यह कोई फंक्शन है कुछ इस तरह से डिक्रीज हो रहा है अनसिमेट्रिकल, तो इसका जब इमेज बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, इसका इमेज कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे आ जाएगा ऐसे, तो एक ही पॉइंट पर कट करेगा। यह फंक्शन भी डिक्रीजिंग है, यह फंक्शन भी डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग में बाहर भी कट कर सकता है बाहर नहीं भी कट कर सकता है, ठीक है। तो 50-50% चांस है, यदि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व करेंगे तो 50% चांस है गलत आंसर आ जाए, 50% चांस है कि सही आंसर आ जाए, लेकिन हम इस कॉन्फिडेंस में सॉल्व करेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स यदि नहीं कट बाहर भी कट करता है तो एक ही उपाय है कि एफ इनवर्स एक्स निकालो फिर दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करो जो मोर कॉम्प्लेक्स होगा, वैसा क्वेश्चन देने वाला देगा नहीं, तो उस वह एजम्पशन के आधार पर हम उस केस में भी एफ एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व कर देंगे। बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, ज्यादा अभी इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन कंप्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना, इस पर बहुत से क्वेश्चन हम लोग सेट किए हुए हैं, खुद क्रिएट किए हुए हैं हम लोग, तो ऐसा अब उतना डिफिकल्ट टेस्ट तो लेते नहीं है चूंकि स्टूडेंट ही नहीं रह गया है उस लाइफ, तो वैसा क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो आपको वहाँ क्वेश्चन ही दिख जाएगा कि कुछ क्वेश्चन आपको फंसाना चाह रहा है, तो वहां पर आपका ध्यान जाएगा कि हमको इस दो ग्राफ को भी कंसीडर करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर देना है। आप चाहेंगे तो क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर देंगे, तो दोनों तरह का जब क्वेश्चन मिलेगा आपको तो समझ जाएंगे कि कहाँ पर इसको भी सोचना है या कहाँ पर डायरेक्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व करना है। जहां तक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डायरेक्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व करेंगे। हाँ बोलो सर, क्वेश्चन भेज दीजिएगा। भेज देंगे, ठीक है। पहले तो तुम लोग भेजो पहले। yes, क्वेश्चन। हाँ ठीक है, पहले आप लोग जो भेज रहे हो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजेंगे, वो मैंने सुपर एडवांस वाले क्वेश्चन हो गया, थोड़ा और मेहनत कीजिए, ठीक है। यहाँ तक 5th पॉइंट तक yes, भेज देंगे। फंक्शन जब समाप्त होगा तो ऐसा क्वेश्चन भेज देंगे, टूटना होगा हमको, टेस्ट में क्वेश्चन है तो देखो। यह क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं क्या आप लोग? अभी नहीं, यह होमवर्क कर देते हैं, सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। क्या करना है? एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स एक्स सॉल्व कर देना है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व करेंगे। एक्स सॉल्व कर देंगे। हाँ, यह भी सॉल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में इफ एग्जिस्ट नहीं है, या एफ इनवर्स एक्स लिखा गया है, इसका मतलब 1112 है, आपको चेक करना नहीं है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन देने वाला ऐसा देगा या तो इनवर्स निकालना बहुत लेंदी होगा, इसका इनवर्स लेंदी होता है, या इनवर्स निकलेगा ही नहीं, आपको मजबूरी में वो फिट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और यह क्वेश्चन तो बहुत ही मार्वेलस क्वेश्चन है, क्योंकि ना यहाँ एफ एक्स लिखा हुआ है ना एफ इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, आपको खुद सोचना है। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो डिग्री इसका 9 आ जाएगा, जो संभव ही नहीं है सॉल्व करना। इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे,
और उसके सॉल्यूशन को ग्रुप में आप लोग भेजेंगे, ग्रुप में नहीं उसमें हम क्रिएट कर देंगे असाइनमेंट में। और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला है प्रैक्टिस सीट में उसको सॉल्व करना है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ाते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ इनवर्स एक्स पढ़ना है, और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन बच गया है, एफ इनवर्स का इनवर्स एफ होगा, फिर ये सब प्रूफ करना है एनसीईआरटी, प्रूव दैट एफ इनवर्स का डबल इनवर्स एफ का डबल इनवर्स एफ के बराबर होगा, एफ ओ जी का इनवर्स यह हो जाए, ठीक है, इनवर्स ऑफ एन फंक्शन इज यूनिक। तो यह वर्ड में वर्ड प्रॉब्लम टाइप का इसका सोल्यूशन है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और कंपोजिट फंक्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो होमवर्क जो है आप जो है सिंसियरली सॉल्व कीजिए, और जो क्लास नोट है उसको बनाइए और रिविजन भी करते रहेंगे, ठीक है, समाप्त कीजिए क्लास को। Yes. Yes, sir. Next class,